वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे टॉप 5 आईआईटी जो इंडिया में जो काफ़ी लो रैंक तक आपको मिल रहे होंगे 2022 में। और आपको पता है कि इस बार का जो जेड एडवांस का पेपर था वो काफ़ी टफेस्ट साइड का था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पेपर जो है आईआईटी बॉम्बे बना रहा है, तो इसका मतलब कि वो टफ बनाएगा। ठीक है, पेपर आईआईटी एडवांस के लेवल का तो रहेगा ही रहेगा। ओके, और मैंने ऑलरेडी कट ऑफ वाले वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना जाएगा वो भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, और कितने मार्क्स तक आपको मिल रहे होंगे आईआईटी वो भी मैंने बना दिए हैं। तो आप जाकर सारा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लीजिए। और मैंने ये भी बना रखे हैं मार्क्स वर्सेस आपके रैंक, ये भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे आपके ऐसे आईआईटी के बारे में जो कि आपको काफ़ी कम रैंक तक मिल रहे हैं। ओके, और अगर अभी तक आप काउंसलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि भैया हम लोग जे एडवांस के बाद ज्वाइन करेंगे, तो अभी तक वो लिंक ओपन है। ठीक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। ओके, तो बात करते हैं हम लोग आईआईटी तिरुपति जो कि न्यू आईआईटी है, इसकी क्लोजिंग रैंक बात करेंगे हम लोग सारे कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सब कुछ। ओके, तो क्लोजिंग रैंक की बात करें तो इस पिछले साल मतलब 2021 में जो क्लोजिंग रैंक था 13,227 रैंक। यहाँ मैं मेंशन करता हूँ जो भी मैंने एलओ से लिखा है वो क्या आपका सीआरएल रैंक है, बेसिकली जनरल वाला सीआरएल, बाकी जितने भी हैं वो सारे आपके कैटेगरी रैंक है। ठीक है, मतलब रेड वाला जो है क्या है वो आपका कैटेगरी रैंक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 13,227, तो इस बार आप मान सकते हो कि 14 से लेके 15 के रैंक तक है आपका, तो आराम से ये कॉलेज मिल सकता है। ओके, अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 2120 रैंक तक मिल सकता है। ठीक है, क्लोजिंग रैंक है, ये आईआईटी तिरुपति में एडमिशन ले सकते हो, ये कैटेगरी रैंक है। ठीक है, अब ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल में आपको क्लोजिंग रैंक 4761 रैंक तक मिल सकता है। लगभग मान के चलो अगर 5K के अंदर है आपका कैटेगरी रैंक ओबीसी एनसीएल में, तो आराम से कॉलेज मिल सकता है। ओके, और एससी कैटेगरी की बात करो तो एससी कैटेगरी में आपको क्लोजिंग रैंक कितना देखने को मिलेगा, 2796 रैंक। ओके, अभी आपको एक डेडिकेटेड सारे आईआईटी के ऊपर जितना भी आईआईटी है इंडिया में सबके क्लोजिंग रैंक सारे ब्रांच के सारे कैटेगरी वाइज एक वीडियो आएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। ओके, अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में आपको क्लोजिंग रैंक है आपको 943। ओके, अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग रैंक ऑफ आईआईटी पलक्कड़। ओके, ये भी आपका आईआईटी जो नया आईआईटी। ओके, तो इसकी क्लोजिंग रैंक क्या है जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में आपका क्लोजिंग रैंक 14,227 रैंक है, तो लगभग इस बार भी 14 से 15 के रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा आराम से। ओके, और जो लोग काउंसलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए, प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन चले जाइएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और मेरे द्वारा आपको काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, जो भी कॉलेज की लिस्ट है सब कुछ आपको मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको क्लोजिंग रैंक क्या है 2102 रैंक तक वो मिल सकता है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और क्या रैंक बनेगा, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, सारा कुछ डिटेल मैंने बताया है, वो जाकर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल में आपको क्लोजिंग रैंक कितना है, 5152 रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 2566 रैंक तक मिल सकता है। ठीक है, और बात करें एसटी कैटेगरी तो यहाँ पर 965 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आईआईटी जम्मू। ठीक है, आईआईटी जम्मू भी न्यू कॉलेज है, न्यू आईआईटी है। ठीक है, अब इसकी क्लोजिंग रैंक क्या है जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपको मिल रहा होगा 14,983, मतलब 15K क्लोजिंग रैंक है, तो इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15.5 तक आपको ये मिल सकता है। ठीक है, काफ़ी नीचे जाएगा, कट ऑफ तो नीचे जाएगा ही जाएगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता दिया था एग्जाम होने से पहले ही कि कट ऑफ नीचे जा रहा होगा। ओके, और सारा कुछ मैंने डिटेल में वीडियो बनाए थे। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 2227 रैंक तक ये कॉलेज मिल सकता है। वही हम लोग ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल 5612 रैंक तक मिल सकता है। ठीक है, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 2889 रैंक तक मिल सकता है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 736 पी, ये क्या है प्रिपरेटरी रैंक है। ठीक है, एक अलग से रैंक डिक्लेयर होता है आईआईटी वालों के द्वारा। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी हैं उसमें मेंशन होगा कि प्रिपरेटरी रैंक है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग आईआईटी धरवाद। ठीक है, ये भी नया कॉलेज है, तो आईआईटी धरवाद का जनरल कैटेगरी का जो कटअप जाता है वो 12,605 रैंक तक। ठीक है, तो इस बार आप 13K एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्लोजिंग रैंक लास्ट 6 राउंड तक जाते जाते आपको मिल सकता है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 2093 रैंक तक मिल रहा होगा। वही हम लोग ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 5001 रैंक तक मिलेगा। ओके, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 2489 रैंक तक मिल रहा होगा कॉलेज। भाई एसटी कैटेगरी की बात करो तो 486 तक मिल रहा होगा प्रिपरेटरी रैंक है। ठीक है, ये नॉर्मल रैंक नहीं होता, ये अलग से प्रिपरेटरी रैंक डिसाइड किया जाता है। ओके, वो वाला रैंक है। अब बात कर लेते हैं आईआईटी विलाई। ठीक है, ये भी आपका न्यू कॉलेज है और जो कि अभी न्यूली इस्टेब्लिश हुआ है, तो जनरल कैटेगरी की बात करो तो क्लोजिंग रैंक क्या है 12,665, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक है 1968। ओके,
और ओबीसी एनसीएल का जो क्लोजिंग रैंक है वो 4743 रैंक है, और डेफिनेटली ये 5K तक चला जाएगा इस साल। इस साल काफ़ी कट ऑफ भी नीचे जा रहा होगा, तो काफ़ी अच्छे से चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और एससी कैटेगरी में आपको 2340 रैंक तक मिल जाएगा, और एसटी कैटेगरी में आपको 919 रैंक तक मिल जाएगा। ओके, तो ये था यार मेरे तरफ से सारा वो टॉप 5 जो कि लो रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल रहा होगा। ठीक है, आपके काफ़ी अगर लो रैंक भी आए होंगे, मतलब कि काफ़ी कम नंबर आ रहे होंगे, तो भी आपको इस आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। ये सारे 5 IIT आप कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली बाकी सारे आईआईटी के ऊपर भी कैटेगरी वाइज और सारे ब्रांचेज का मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।